कमोलिया म्यूजिक एकेडमी फ्रॉम जलालाबाद। मैं आपका अभिषेक कुमार और आज मैं आपके सामने वज्र स्वर का अर्थ बताने जा रहा हूँ। वह स्वर जिनका प्रयोग राग में नहीं होता उसे वज्र स्वर कहते हैं। राग के अनुसार हर एक राग में कम से कम स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा सात स्वर होते हैं। सात स्वर से ज़्यादा सुर किसी राग में संभव नहीं है। हर एक राग की अपनी जाति होती है। यह जाति राग में लगने वाले स्वरों पर निर्भर करती है। जैसे राग भोपाली माँ और नी स्वर अरोह में वर्जित हैं। भोपाली राग की जाति ओड़ ओड़ है क्योंकि अरोह में पांच पांच स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे सारे गा पा धा सा अवरोह साधा पा गा रे सा। मतलब इसमें माँ और नी वर्जित स्वर हैं। यह नान लगने की वजह से ही वर्जित हैं।